नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कॉटन से। रूपा जी, देख रहे हैं कि MCX कॉटन 37,000 के ऊपर निकली है, फिर से कॉटन में भी उछाल देखने को मिला है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कॉटन और क्रूड दोनों ही एक रेशियो में देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो कॉटन में तेजी आई है, क्या अब यहां से कॉटन में जो तेजी है क्या रैली देखने को मिल सकती है, कॉटन के प्राइसेस में हाइक देखने को मिल सकती है अब यहां से? देखिए, बहुत ज्यादा तो फिलहाल तेजी नहीं है, जिस तरीके का भी रैली बनती हुई दिखाई दे, हो सकता है कि 38,000 तक एक बार कॉटन ऊपर जाती हुई दिखाई दे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं होगा, लेकिन कंसोलिडेशन जो है फेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है 36,000 से लेकर 37,000 के बीच जी। इसके साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि वही सुस्ती के साथ 3100 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, बिनौला खल में देख रहे हैं कि जो पहले वाली तेजी थी अब वो कहीं ना कहीं खोती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी 4000 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है बिनौला खल के अंदर, जो पहले अनुमान दिए जा रहे थे कि 4000 तक के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, क्या वो अभी भी कुछ उम्मीद है कि बिनौला खल 4000 के लेवल दिखा दे? देखिए, अभी फिलहाल ऐसी उम्मीद बनती हुई मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। अभी देखिए, जब तक मार्केट जो है सस्टेन नहीं करता 3400 के ऊपर, तब तक तेजी में नहीं है। अभी 3000 से 3200-3300 फिलहाल ये रेंज बनी है जी। इसके साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, और अगर अमेरिका क्रूड की प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो क्या उसका असर ग्वार कॉम्प्लेक्स पर भी कुछ देखने को मिल पाएगा, या फिर ग्वार ऐसी सुस्ती के साथ निपट जाएगा? देखिए, तब तेजी थोड़ा बहुत बनती हुई दिखाई दे सकती है, डिमांड पिकअप हो सकती है, एक्सपोर्ट डिमांड गम की निकल सकती है, और एक सपोर्ट कीमतों को आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो है ग्वार की स्थिति जो है वो भी एक सीमित दायरे में है, और बाजार जो है वो 10,000 से लेकर 11,000 11,500 की रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड का मार्च वायदा देख रहे हैं 7,200 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैस्टर की अराइवल्स भी है मंडियों के अंदर, लेकिन तब भी कैस्टर सीड का वायदा बाजार 7200 के ऊपर सस्टेन हो रखा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी यहां से कैस्टर की मार्केट थोड़ी नीचे जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, कैस्टर में तेजी बन सकती है, क्योंकि यहाँ से डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, और 7500 फिलहाल एक लेवल है, वहां तक एक बार मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसाले में देख रहे हैं कि धनिया में आज कुछ हल्की बढ़त देखने को मिली है, धनिया फिर से 11,000 के पास ट्रेड करता नजर आ रहा है। जीरे में देख रहे हैं कि जीरे में भी कुछ बढ़त बनी है, और हल्दी में भी हल्की सी मामूली सी बढ़त है। रूपा जी देख रहे हैं कि आज धनिया और जीरा दोनों में ही आज कुछ बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है एक बार फिर से निचले स्तरों से, आपको क्या लगता है, क्या अभी मंदी तेजी का दौर जीरे में और धनिये में ऐसी उठापटक के तौर पर देखने को मिलता रहेगा? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लगती है मसालों के अंदर, करेक्शन जरूर आया था कल मार्केट के अंदर, और जो नॉन एग्री कमोडिटीज है इसके ऊपर एक दबाव जरूर बनता हुआ हमें दिखाई दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, सस्टेन है मार्केट। आप देखिए, जीरे में जो गिरावट थी वो अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की, और मैंने कल भी यही बोला था कि जीरे के अंदर जो भी करेक्शन आए उसमें आपको बाइंग करना चाहिए, और जीरा मुझे लगता है यहाँ से 22,000-22,500 तक ऊपर जा सकता है। हल्दी में जरूर हो सकता है कि बाजार सुस्त रहे और उठाव ना आए, क्योंकि अराइवल प्रेशर है हल्दी के अंदर और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है, लेकिन जीरा और धनिया ये दो कॉमोडिटीज ऐसी हैं मुझे काफी अच्छी लग रही है, जिसके अंदर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जब भी करेक्शन आती है इसके अंदर बाइंग में रहना चाहिए, और धनिया के अंदर 12,000 तक का स्तर एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकता है, और जीरे के अंदर 22,000-22,500 का स्तर देखने को मिल सकता है जी। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने बीते सत्र में कुछ करेक्शन आते हुए देखी थी, NCDX पर ऊपरी स्तर से कुछ मुनाफा वसूली बनी थी, लेकिन US सोयाबीन वायदा देख रहे हैं $1,700 के ऊपर निकल चुका है एक बार फिर से, US सोयाबीन वायदा में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। रूपा जी, CPO में भी हमने देखा है, CPO में भी एक के बाद एक रिकॉर्ड हाई लगते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से तेल तेलनों में तेजी आ रही है, तो सोयाबीन का बाजार अब यहां से क्या आगे फिर से तेजी की ओर जा सकता है?
देखिए बिल्कुल अभी जो है सोयाबीन के अंदर तेजी बन सकती है और आगे प्राइसेस जो है अपसाइड में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो एडिबल ऑयल पैक का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी पॉजिटिव अब दिखाई दे रहा है। यहाँ से एडिबल ऑयल पैक में कीमतों में फिलहाल कहीं से कोई गिरावट आती दिखाई नहीं दे रही है, बाजारों में तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी रूपा जी, एडिबल ऑयल्स में क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से इंपोर्ट पे थोड़ा असर हुआ है एडिबल ऑयल में, खासकर की सनफ्लावर ऑयल के ऊपर, सीपीओ भी महंगा आयात हो रहा है, सरकार ने भी अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बनाई है कि खाद्य तेलों का आयात किया जाए, राइस ब्रैन हो गया, रेप सीड हो गया, कैनोला हो गया, तो रूपा जी खाद्य तेल तो महंगा ही आयात हो रहा है, तो उसका असर अब जनता पर कितना पड़ने वाला है? देखिए खाद्य तेलों में तेजी का रुझान बना रह सकता है और इसका असर जनता के ऊपर तो आता हुआ दिखाई देगा, महंगाई अभी और ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और जहां तक एडिबल ऑयल पैक की बात है, यूक्रेन और रशिया से सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई होती है और अभी वो फिलहाल जो है वो डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है इंपोर्ट महंगा हो रहा है और कीमतों के अंदर उछाल दर्ज किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 2 लाख मिलियन टन के आसपास सनफ्लावर ऑयल जो है वो भारत में पर मंथ जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, तो अभी सप्लाई डिस्टर्ब के चलते जो है वो इंपोर्ट भी महंगे हैं और इंपोर्ट हो भी कम रहे हैं, जिसका असर अदर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। और फिलहाल जो खाद्य तेलों में अब गिरावट का रुझान बन सकता था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से भी, क्योंकि आगे चलकर अब खाद्य तेलों में तेजी का रुझान बना रहेगा। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर दालों के बाजार की, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो क्या दालों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है, क्या किसान को कुछ फायदा मिलता नजर आ सकता है? देखिए दालों में फिलहाल इतना ज्यादा अपसाइड मोमेंटम तो फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दालों के अंदर, बाजार देखिए गिरेगा भी नहीं तो बहुत ज्यादा फिलहाल मुझे तेजी नहीं लग रही है दालों के अंदर, मुझे लगता है कि मार्केट सस्टेन रहेगा। हाँ थोड़ा बहुत ये पेट्रोल डीजल की कीमतें उछलने के चक्कर में हो सकता है कि प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नीचे दिखाई दे और दालें भी थोड़ी महंगी होती हुई दिखाई दे, लेकिन बहुत ज्यादा रैली फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर प्याज की, तो प्याज में देख रहे हैं कि इस बार किसानों को जो उम्मीद थी कि रेट काफी अच्छा जाएगा और इसलिए किसानों ने प्याज का रकबा बढ़ाया था ज्यादा उत्पादन करने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि इस बार प्याज किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, पहले से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, एक तो महंगाई मार रही है, दूसरा बेमौसम बरसात से प्याज की जो फसल है अलग अलग राज्यों में बहुत सारी जगहों पर बड़े पैमाने पर खराब होती नजर आई है ऐसे, और फिर ऊपर से अभी नई प्याज भी आ जाए, नई प्याज की भी जो आवकें हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं मंडियों के अंदर, क्योंकि प्याज भारत में हर सीजन में देखने को मिलता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या प्याज का दाम यहाँ से ऐसी गिरावट की ओर जाता रहेगा? देखिए अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्याज की कीमतों में गिरावट आई है और जहां तक आवकों की बात है, गर्मी बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अन्य कई स्टेट्स के अंदर बड़ी मात्रा में लाल की जो है आवक अभी फिलहाल दिखाई भी दे रही है और जैसे जैसे गर्मियों में नए प्याज की आवक बढ़ रही है उसके चलते कीमतों के ऊपर जो है वो असर आता हुआ दिखाई दे रहा है, सप्लाई मांग से ज्यादा बढ़ चुकी है और जिसके चलते कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। लाल प्याज की कीमतों में भी लगातार गिरावट आई है और इसमें अभी एक्सपेक्टेड है कि गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे कीमतों के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई देगी और पहले के कंपेरिजन में लगातार प्याज की जो है वो कीमतों में गिरावट आई है और लाल खरीफ प्याज की भी आगे चलकर जो है राइजेस अच्छी बताई जा रही है और कीमतों के ऊपर दबाव बन सकता है, तो फिलहाल यहाँ पर कीमतें स्टेबल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी, खाद्य तेलों को लेकर दर्शक का सवाल आया है, इनका सवाल है कि सोया तेल का बड़ा स्टॉक कर सकते हैं क्या, जिस हिसाब से कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है और आगे आगे और तेजी की ही उम्मीद है, तो क्या ऐसे में स्टॉक करके चला जा सकता है सोया तेल को? देखिए बाइंग की जा सकती है लेकिन एक लिमिट में, बहुत ज्यादा अननेसेसरी बाइंग नहीं, अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए अभी जो स्थिति है वो स्थिति के हिसाब से मार्केट तेज है, अगर स्थितियों में थोड़ा सा भी सुधार आता है तो फिर मार्केट जो है रिवर्स भी हो सकता है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखकर आप बिल्कुल बाइंग अभी फिलहाल कर सकते हैं। जी रूपा जी, सरसों के ऊपर आपकी क्या राय रहेगी, मंडियों में तो देख रहे हैं कि आवकों का जोरदार प्रेशर बना हुआ है, तो ऐसे में क्या सरसों की कीमतें ऐसी अभी थोड़ी डगमगाती रहेंगी, थोड़ी नीचे जाएंगी आवकों के वजह से, और क्या सरसों तिलहन में ये जो गिरावट है, लेकिन सरसों तेल में देख रहे हैं तेजी है, और तो सरसों तेल क्या बढ़ता रहेगा, क्या दोनों अपोजिट जाएंगे अभी?
देखिए अभी थोड़ा बहुत गिरावट जो है सरसों के अंदर आती दिखाई दे सकती है, लेकिन तेल में गिरावट नहीं है और मुझे लगता है कि सरसों में भी अराइवल प्रेशर के चलते दबाव है, लेकिन उसके बाद जो है प्राइसेस स्टेबल होते दिखाई देंगे। इनफैक्ट तेजी में मार्केट जा सकता है, अभी के लिए शॉर्ट टर्म में बाजारों में गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखें तो मार्केट में अभी भी सिनेरियो जो है वो तेजी का ही दिखाई दे। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन क्या जून तक सोयाबीन 9000 तक जा सकती है? देखिए यही सिनेरियो रहा तो हो सकता है कि मार्केट में ये लेवल देखने को मिले। जी रूपा जी, दर्शक का सवाल है चने में क्या होगा, क्या चने का जो उत्पादन इस बार ठीक ठाक देखने को मिल रहा है तो क्या चने की कीमतों में तेजी आएगी या मंदी? देखिए अभी फिलहाल मंदी का सिनेरियो नहीं है किसी भी कमोडिटी के अंदर, लेकिन तेजी बहुत ज्यादा फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है दालों के अंदर, चाहे वो चना हो, उड़द हो, अरहर हो, अभी फिलहाल बाजार जो है स्टेबल है और अभी स्टेबल ही दिखाई दे रहा है। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आज के लिए आप एग्री कमोडिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज के अंदर जीरा काफी अच्छा रह सकता है, यहाँ से जीरे के अंदर बाइंग किया जा सकता है और जीरे के साथ साथ धनिये में भी पोजीशन बाइंग की लेकर चल सकते हैं और छुटमुट बाइंग जो है वो ग्वार के अंदर भी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल मसालों के अंदर अच्छा तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मसालों के साथ साथ ग्वार में भी तेजी बढ़ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बन सकती है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।